देश में जीरो इमिशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ईंधन के विकल्प पर काम कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, सीएनजी हो या फिर फ्लैक्स फ्यूल ईंधन। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटो मिराई लॉन्च की है। आइए बताते हैं आपको इस कार के बारे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली कार टोयोटा मिराई को लॉन्च किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइड्रोजन द्वारा संचालित है, जो सबसे बेस्ट जीरो इमिशन सॉल्यूशंस देता है। यह कार पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इस फ्यूल को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी और बायोमास से बनता है, जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने में भारत एक स्वच्छ और किफायती ऊर्जा भविष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मिराई में प्रयुक्त टोयोटो फ्यूल सेल सिस्टम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया से बिजली पैदा करता है। मिराई कस्टमर इसे उसी तरह हाइड्रोजन ईंधन से भरते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी खरीदते हैं। ईंधन उच्च दबाव वाले टैंकों में समाहित होता है और एक ईंधन सेल स्टैक में डाला जाता है, जहां हवा में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और बिजली उत्पन्न करते हैं।